अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, ऑटम 2020 का पेपर हमारा चल रहा था जी, आखिरी सवाल हमारा आ गया है जी, क्वेश्चन नंबर 10 सानिया कॉस्मेटिक्स के नाम से। फाइनेंशियल पोर्शन का भी आखिरी सवाल है, पेपर का भी आखिरी सवाल है, IRR निकालना है। इसमें जिंको का 17 मार्क का सवाल आया हुआ है जी, ऑल कैश फ्लो एज्यूम करने हैं आखिर में। इसमें एक आध एडजस्टमेंट बड़ी जबरदस्त थी, एक दो एडजस्टमेंट है, बाकी सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवालों की इतना था, मगर यस आई रियली अप्रिशिएट एग्जामिनर ने एक आध एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी पूछी है सवाल। ठीक है जी, शुरू करते हैं बात को, सवाल बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, और खैर ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। मटेरियल की मुश्किल एडजस्टमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं ना इसमें, मगर इसमें बहुत मार्क्स निकाले जा सकते थे मटेरियल की, और एक और वर्किंग कैपिटल की भी, एक खतरनाक तो नहीं कहना जी, बहुत अच्छा इसमें जो है ना उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया जो कि यूजुअल पॉइंट नहीं था, ठीक है ना, वो आम बच्चे को प्रॉब्लम होगी पेपर में इस तरह के पॉइंट को पिक करने में। सवाल पढ़ेंगे सानिया कॉस्मेटिक लिमिटेड। अच्छा ये पर्पज अगेन सवाल को कराने का सिर्फ ये नहीं है कि सोल्यूशन हो जाए, सोल्यूशन तो आईकैप की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। सवाल को कराने का मकसद ये कि हमारे कॉन्सेप्ट भी रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी रिकॉर्ड हो जाए इसी बात। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सानिया कॉस्मेटिक एससी इज कंसिडरिंग द लॉन्च ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट कॉल्ड जिंको, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन द इन दिस रिगार्ड। एससी विल नीड टू स्पेंड 250 मिलियन ऑन परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग द प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिंको एट द एंड ऑफ ईयर फोर। द प्लांट रीसेल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 65 मिलियन। द प्लांट विल बी सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग और टैक्स रिवीजन एट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इतनी सारी बातें काम की एक साथ आ गई हैं, इतनी सारी बातें काम की एक साथ आ गई हैं, इनको लिख लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। ऑटम 2023 एम ए फिर पेपर ओवरऑल बहुत आसान था, अच्छी अच्छा रिजल्ट है, मगर इस बार भाई अच्छी तैयारी से जाएगा, एग्जामिनर का कभी भी मूड बिगड़ सकता है और पेपर भी मुश्किल आ सकता है कभी भी। ठीक है, ये ना बोलिएगा नहीं कि भाई बताया नहीं था किसी ने, अभी से बता रहा हूँ मैं, तैयारी अच्छी करके जाइएगा, तैयारी अच्छी करके जाएगा अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, 250 मिलियन प्लांट है और स्क्रैप वैल्यू इन्होंने बता दी, लाइफ 4 ईयर है। ये डेटा नोट करने से थोड़ा सा सवाल में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्क्रैप वैल्यू पे एक कंफ्यूजन है जो अक्सर रिसेंट अटेम्प्ट के सवालों में आ रही, पुराने सवालों में नहीं आती थी, अगर ये रिसेंट अटेम्प्ट के सवालों में आने लग गई है इस पर ही बात करनी है। स्क्रैप वैल्यू पे एक डिस्कशन मुझे आपसे छोटा सा करना है, इसकी इन्फ्लेशन का क्या हिसाब किताब है, और डेप्रिसिएशन जो आपने रेलेवेंट देनी है 25% लेनी है, WDV। ठीक है जी, ये बातें आ गई हैं। आगे एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल 75 मिलियन, इनिशियल वर्किंग कैपिटल इमीडिएट का मतलब ईयर 0 पे वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको 75 मिलियन, और हमसे क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं 15% इंक्रीज इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस बैलेंस एंटीसिपेटेड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, ईयर 3 एंड 4। स्टार्ट ऑफ ईयर 2 मीन्स स्टार्ट ऑफ ईयर 2 बीस, बिल्कुल एनपीवी का एक सवाल लाजमी आएगा बिलाल, फॉरेक्स का एक सवाल लाजमी आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक सवाल लाजमी आएगा, बजटिंग और वर्किंग कैपिटल से एक सवाल लाजमी आएगा। लास्ट टाइम बजटिंग आ गया, इस साल शायद वर्किंग कैपिटल है, मगर बजटिंग भी वापस रिपीट हो सकता है। फाइनेंस पोर्शन तो समझो बिल्कुल ओपन है, खुली किताब की तरह है, और ये सारे सवाल BFD में भी आते हैं, BFD में भी एक नेट NPV का सवाल आता है, BFD में भी एक WACC का सवाल आता है, BFD में भी एक फॉरेक्स का सवाल लाजमी आता है, ठीक है ना, बजटिंग और वर्किंग कैपिटल वहाँ पे नहीं है। खैर, तो स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का मतलब है एंड ऑफ ईयर 1, बिल्कुल, तो नॉर्मल हालात में यही होता है कि हम ईयर 0 पे वर्किंग कैपिटल लिखेंगे और फिर इंक्रीमेंट दिखाते रहेंगे ईयर 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, तो इंक्रीज लगेगा वर्किंग कैपिटल पे 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं हाउएवर ओनली 60% ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, द रिमेनिंग बैलेंस वुड बी राइट ऑफ एज अनसेलेबल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर 4। ये एडजस्टमेंट हमने आई थिंक इससे पहले कभी नहीं की, इसकी वजह से एक आध मार्क की एडजस्टमेंट है जो शायद पेपर में बच्चे गलत करते हैं, इसका क्या करेंगे, यहाँ तो हमने पढ़ा है 60% रियलाइज होगा, रीसेल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या मैं कहता हूँ लॉस होगा, को एक्सपेंस में निकालना चाहिए, तो लॉस तो नॉन कैश नहीं होता, लॉस तो नॉन कैश नहीं होता, नॉन कैश तो इग्नोर होना चाहिए, जवाब दें भाई, जब एक चीज नॉन कैश है तो इग्नोर करते हैं यार, क्यों इसका सर हवा बना रहे हैं, क्यों इसकी कहानी कर रहे हैं,
तू इसका सीन क्रिएट कर रहे हैं। आजकल की लैंग्वेज में बात करूंगा आपसे। ओ भाई मसला ये है कि ये लॉस तो है मगर इसकी वजह से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने का है। याद करो गेनर लॉस के बारे में, याद करो। ऐसा ही होता है, जब गेनर लॉस आता है तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट हिलता है, और जब टैक्सेबल प्रॉफिट हिलता है तो टैक्स भी चेंज होता है। चेंज होता है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, विल बी कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पज, जो कि आज से पहले शायद आपने कभी भी नहीं देखा। बीएफडी में भी इतना डायरेक्ट नहीं आता। ये पॉइंट पेपर में मैं समझता हूँ 90% बच्चों ने, कम से कम 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्लिक नहीं किया होगा। ऐसा है, ये इतना सिंपल सवाल मतलब एडजस्टमेंट नहीं था, मतलब एक एवरेज बच्चा तो नहीं पकड़ सकता। बहुत ही कोई ब्रिलियंट बच्चा होगा ना, वो पकड़ेगा कि हाँ यार ठीक है टैक्सेबल, बिल्कुल टैक्स होगा तो ये भी करेंगे, बिल्कुल अगर टैक्स होगा तो करना होगा। इस सवाल में अगर टैक्स रेट नहीं हो रहा तो मैं ऐसी आपसे कोई बात नहीं करता। एक सवाल हमने पास में शायद ऐसा किया, उसमें टैक्स नहीं था तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की, मगर टैक्स है तो हमें काम करना होगा। आगे बढ़ेंगे, सेल ऑफ रिंकू आर एक्सपेक्टेड टू बी 30,000 यूनिट पर एनम, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ओवर 4 पीरियड, द सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड टू बी 4,000 पर यूनिट। तो ये बातें भी इन्होंने बता दी हैं कि यूनिट सेम रहेंगे। और सेलिंग प्राइस उन्होंने बताई है आपको 4,000। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर अलॉन्ग विद द करंट इन्वेंट्री लेवल आर एज फॉलोज। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ जिनको 3,1200 करंट, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग की एडजस्टमेंट डाल दी, इसीलिए मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग से पढ़ा देता हूँ, इसीलिए मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग पहले से पढ़ा देता हूँ, इसीलिए मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग आपको टाइम वैल्यू मनी से इन्वेस्टमेंट बिजल से पहले पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रिवीजन पर्सपेक्टिव से करते हैं ऊपर, ऑब्वियसली पूरा कॉस्टिंग वाला तो नहीं करते, मगर आप ये एडजस्टमेंट देख रहे हैं, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग की बड़ी उम्दा एडजस्टमेंट है। एनुअल रिक्वायरमेंट जिनको की 3,000 है, करंट इन्वेंट्री 1,500 है, कॉस्ट पर केजी 550 है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इफ नीडेड इफ यूज ऑन अदर प्रोडक्ट्स 200। आगे कहते हैं एफबी विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट एंटिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्दर इट इज ऑल्सो यूज इन अनदर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग 600 kg ऑफ द फॉर द ईयर। However, that the product will be discontinued at the end of the year. SB is not used in any other product and can be sold in the market at 50% of cost. ये बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट की, तो मुझे सही से बात करनी पड़ेगी, 3-4 मार्क कम से कम मैं समझता हूँ एडजस्टमेंट के होने चाहिए, एज पर मार्केट प्लान आप चेक भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं क्या बातें हो रही हैं, कि मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग लग रही है, रेलिवेंट कॉस्ट लेनी है मटेरियल की, एक मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट लेनी है। एक मटेरियल तो ओके है मेरे ख्याल से, BW ओके, एस डब्ल्यू के लिए सारी बातें करनी है, ये सारी बातें एस बी के लिए हो रही हैं, बी डब्ल्यू ओके, बी डब्ल्यू में इतना मसला नहीं है। एस सी एस्टिमेट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 30,000 सेमी स्किल्ड आर एट 150 पर आर एंड 10,000 स्किल्ड आर एट 250 पर आर। तो लेबर बहुत सिंपल था, यहीं पर कर लें काम लेबर का, कोई ज़्यादा इसको डिले करने की जरूरत नहीं है, डिले करने की जरूरत नहीं है। 30,000 × 150, 10,000 × 250, कितना आ गया? कितना आ गया? 7,000। थाउजेंड कॉमन लेके बात करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1,800। एप्लीकेबल टैक्स रेट वुड बी 30%, टैक्स रेट 30% है, अगर पेबल है तो 20 ही साल है, रिफंडेबल है तो 20 ही साल है। ठीक है जी, बात समझ आ रही। आगे बढ़ते हैं, ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर कोटेड इन टुडेज रेट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर कोटेड इन टुडेज रेट। तो मुझे बता इन्फ्लेट कब से करना चाहिए, अगर ये आगे नहीं भी लिखता ना आई कैप, अगर आगे इसको गायब भी कर दे तो भी आप मुझे बताओ कब 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 से रखना चाहिए, इन्फ्लेट कब से होना चाहिए, बात खत्म हो जाती है यार। नहीं इन्फ्लेट ईयर वन से करेंगे, टू से करेंगे, बिलाल ये सवाल होता था ना हमारा, ये हमारा फेवरेट सवाल था कि हमें इन्फ्लेट ईयर जीरो से नहीं करते। अरे लड़के कहाँ हो गया तुम्हें, हाँ, बिल्कुल सही है, ईयर जीरो की प्राइसेस हैं। सही कह रहे हैं हसनैन खान, सही कह रहे हैं हसनैन अली, सही कह रहे हैं बिलाल, बाकी लोग का क्या ख्याल है? मेरा फेवरेट सवाल आपको पता है, हमेशा मैं करता हूँ कि हमारे को फिर इन्फ्लेट करना चाहिए, हमारे को फिर इन्फ्लेट करना चाहिए ईयर वन से। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इन्फ्लेट करेंगे ईयर वन से, लिख भी दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब खुद कह दिया ईयर वन से इन्फ्लेट करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 22% है, मगर आईआरआर निकालना है तो आपको पता है एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए और एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए। अभी हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, सवाल अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे।
बहुत ही नॉर्मल एडजस्टमेंट है, दो जगहों पे आपको काम करना पड़ेगा, एक इस एडजस्टमेंट का क्या करना है ये देखते हैं, और सबसे प्रीमियम एडजस्टमेंट सवाल की ये है, बाकी सवाल नॉर्मल की तरह है, मगर ये दो एडजस्टमेंट की वजह से सवाल एक अच्छे लेवल पे जाएगा। ठीक है राइन, बिल्कुल सही कहा था, ईयर वन से रिलेट होगा, स्क्रैप वैल्यू को इन्फ्लेट करना है नहीं करना, ये इस पे कंफ्यूजन आ रही है, क्या लग रहा है इस लाइन को पढ़ के, क्या लग रहा है स्क्रैप वैल्यू को इन्फ्लेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आई कैप से थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर बहरहाल हम आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आई कैप ऐसा क्या कर रहा है। बहरहाल मेरा मौका इसमें थोड़ा डिफरेंट था। वैसे आपको क्या लगता है, स्क्रैप वैल्यू को इन्फ्लेट करें या ना करें? जो 65 मिलियन की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, ये वाली पहली इन्फॉर्मेशन में जो दी हुई थी, एक्सपेक्टेड टू बी 65 मिलियन जो लिखा हुआ था, इस पे क्या राय बन रही है? दो राय हैं, एक राय ये कि इसको एडिट ले लिया जाए आखिरी साल चौथे साल में, और एक राय ये कि हम इसको इन्फ्लेट कर दें। अब मसला ये है कि देखिए, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो पास में ना एक ऐसा होता था कि जब ऐसी कोई बात होती थी तो लिखता था एट करंट प्राइस लेवल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक आई कैप ने बहुत सारी जगहों में लिखा है एट करंट प्राइस लेवल, तो जब आई कैप एट करंट प्राइस लेवल लिखता था, करंट करंट याद, एक सवाल हमने किया था एल्युमिनियम के नाम से, एक सवाल था एल्युमिनियम इंटरप्राइज था, क्या था, एल्युमिनियम लिमिटेड था, एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड था, एल्युमिनियम का सवाल था 2020 का, कॉस्टिंग का सवाल था, कैफ 8 जब होता था, तो वहां पे क्या था, करंट लिखा हुआ था। तो जब करंट लिखा होता है तो उससे इंप्रेशन मिल जाता है कि हाँ यार ये अभी ये जीरो लेवल पे है, तो आपको एयरपोर्ट तक जाने के लिए इन्फ्लेट करना चाहिए। ठीक है, मगर आपने नोट किया अक्सर सवालों में हम इन्फ्लेट नहीं करते थे, हम एज इट इज फिगर यूज करते थे। तो मेरा, अगर आप मेरा पर्सनल मौकफ पूछेंगे, तो मेरा मौकफ तो ये है कि इसको इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मगर मसला क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से आई कैप ने अभी एक और रिसेंट अडे में भी ऐसा किया, और इस अडे में भी ऐसा किया है, तो हमें आई कैप के थोड़े मिजाज को भी समझना चाहिए। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आई कैप ये डिस्क्लेमर दे रहा है, लाइनें लिख रहा है, दूसरी बात ये कि मुझे लगता है रेवेन्यू लिखा हुआ है, ये रेवेन्यू तो नहीं, स्क्रैप वैल्यू रेवेन्यू तो नहीं होता, इनफ्लो होता है, तो ये तो इनफ्लो क्या रहता है यहाँ पे? तो मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है आई कैप के ट्रीटमेंट से, कि मैं समझता हूँ कि आई कैप को एक तो यहाँ अगर ले कहना ही था तो ऑल रेवेन्यू की जगह ऑल इनफ्लोज कह देता, क्योंकि रेवेन्यू में तो ये चीज़ नहीं आती, 65 मिलियन रेवेन्यू तो नहीं है, रेवेन्यू तो हम जो है सेल को कहते हैं। दूसरा यहाँ पे कि उसने करंट प्राइस लेवल का वर्ड भी यूज़ नहीं किया, तो मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है, मगर बहरहाल हमें पेपर निकालने वाली अप्रोच पे जाना है, हमें उस अप्रोच पे जाना है कि जो आई कैप समझ रहा है। तो आई कैप आई थिंक जो मैंने रिसेंट अटेम्प्ट को देखा है, बिल्कुल यहाँ कैश फ्लो लिखना चाहिए ना यार। देखो एक तो या तो यहाँ करंट लिख दो, आप यहाँ करंट भी नहीं लिख रहे हो, आप यहाँ करंट भी नहीं लिख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे जो है इसको ऑल रेवेन्यू लिख रहे हो, ऑल कैश फ्लो भी नहीं लिख रहे हो, तो मुझे तो देख के फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा था कि इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए, मगर बहरहाल आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमें समझना होगा। रिसेंट टाइम में देखने से ऐसा लग रहा है कि आई कैप एज्यूम कर रहा है कि भाई जब आपको बोल दिया है सबको इन्फ्लेट करो, तो आप इसको भी इन्फ्लेट कर दो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो हम फ्रेश ट्रीटमेंट में जा रहे हैं आई कैप के, बहरहाल मगर मैं खुश नहीं हूँ इससे, वो अलग बात है, बिल्कुल सीखना है कि अगर आप वोट डाल के खुश नहीं है तो ये आपका मसला है ना यार, ठीक है ना? तो बिल्कुल सीखना, जिस तरह आप वोट डाल के खुश नहीं है, मैं भी इस 65 मिलियन के साथ कुछ ना लिखने से खुश नहीं हूँ, मगर आपको भी पता है फर्क कुछ नहीं पड़ता, ना आपके वोट डालने से कोई फर्क पड़ा, ना खुश होने से कोई फर्क पड़ा, ना मेरे ना खुश होने से कोई फर्क पड़ता है। बट बहरहाल बहरहाल जोक्स अपार्ट, मैंने लाइटर नोट बात की है, बुरा नहीं लगना चाहिए आई कैप को, ये है, तो मैं मजाक में कह रहा था कि भाई अगर लिख देंगे तो अच्छी बात है, बच्चे का भला हो जाए, मेरी तरफ से ये, बाकी आप अच्छा काम करें और अच्छा काम करें जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्या कह रहा था, तो क्या डिसाइड हुआ फिर, इन्फ्लेट करूँ नहीं करूँ, क्या बात है, मैंने इतनी लंबी कहानी सुना दी तुम लोगों को। हाँ फिर जो आई कैप कह रहा है वो कर लेते हैं यार, यानी कि वो कह रहा है जब ऑल कह दिया हमने तो ऑल का मतलब ऑल होता है, आगे कुछ भी बोले तो इन्फ्लेट कर देना भाई, इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर गेन और लॉस का फर्क आएगा, बस मैं ये बताना चाह रहा था यार, ठीक है ना? इन्फ्लेट स्क्रैप वैल्यू ये ना खुश होते हुए भी, जिस तरह नतज हमने इलेक्शन की तस्लीम करने हैं, ठीक है एहसान, ये भी तस्लीम कर लेते हैं, इन्फ्लेट इन्फ्लेट स्क्रैप वैल्यू क्लियर। हाँ कर लेते हैं, नाकिया बिल्कुल इन्फ्लेट कर लेंगे, ठीक है। नहीं चंदा बिलाल, अब क्या करें यार, मैंने बताया ना थोड़ा सा, मैं आई कैप की बात को भी रखना है ना, वो रिसेंट डे में एक और डे में रिसेंट में उसने यही किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली अब चाह रहे हैं कि आप इस बात को समझ लो कि यार अगर हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मगर हम यहाँ पे ऑल कह रहे हैं, तो आप ऑल को वेटेज दो, पहले वर्ड को वेटेज दो, ऑल, ठीक है? नहीं एक्सपेक्टेड का मतलब फ्यूचर होता है ना राइन, एक्सपेक्टेड का मतलब वैसे करंट नहीं होता, एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर होता है वैसे, वैसे रैंक में क्लियर कर दूँ, ये पास्ट में हमने पढ़ा हुआ है, जब एक्सपेक्टेड लिखा होता है तो एक्सपेक्टेशन हमेशा बाद की होती है, आज की तो नहीं होती ना, हमेशा मैं आज की फिगर को तो एक्सपेक्टेड नहीं बोलूंगा, आज की फिगर को तो मैं इज बोलूंगा, सही है? तो वो एक्सपेक्टेड वाला पॉइंट भी ना बिलाल सही कह रहा है कि ये लेके जा रहा है कि ऑलरेडी फाइनल फिगर है,
बट बहरहाल इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ते, खैर हो गई, हम सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, खैर हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभी यार मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर बनाने का टाइम आ गया, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, मसला नहीं है, मसला नहीं है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी बना लें। एयर जीरो, एयर वन, थ्री एंड फोर, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा स्टार्ट कैसे करते थे, जब आपको याद है वो आ जाता है, कौन आता है जब डेप्रिसिएशन टैक्स आ जाता है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें व्हाट से, जब डेप्रिसिएशन जब टैक्स आ जाता है तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फिर हम एसेट से स्टार्ट नहीं करते, फिर हम वर्किंग कैपिटल स्टार्ट नहीं करते, हालांकि एसेट वर्किंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन पहले आ रही है, मगर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर याद करें, फिर हम सेल से स्टार्ट करते हैं, याद है ना, सेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पीबीटी निकालते हैं, सेल से स्टार्ट करेंगे, तो सेल कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस आपको पता है, यूनिट आपको पता है, मल्टीप्लाई कर लें और इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई कर लें, 4000 टू 3000 टू 1.11, 1.11 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेट करना है ना, ठीक है, इन्फ्लेट करना है, क्या आ रहा है, 133,200, अब ये इन्फ्लेट होता जाएगा, हर साल यूनिट्स उसने कहा सेम रहेंगे, 11-11% से इन्फ्लेट करते जाओ, स्ट्रक्चर वैसा ही बन रहा है जैसे टिपिकल एनपीवी के सवाल बनता है, एक आध दो एडजस्टमेंट इसमें बड़ी मजेदार है कि ये सवाल थोड़ा हैवी हो गया था, वरना सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, एयर जीरो से नहीं शुरू करते भाई, क्या हो गया, सेल एयर जीरो से थोड़ी आएगी, जीरो में तो काम शुरू हुआ है, सही है ना, जीरो में तो हमारा काम शुरू हुआ है, सेल आते आते कितना हो जाएगा, 133,200, 147,852, ठीक है जी, बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हमारे को क्लियर है बात, पीबीटी निकाल सकते हैं यार, मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाह रहा ना, टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, हम एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, हाँ 164,115, और लास्ट वाला कितना आ रहा है, 182,168, डेसिमल डेसिमल नहीं ले रहा, 1000 कॉमन लेके बात हो रही, अच्छा इसमें से लेस कर दें, मटेरियल्स, मटेरियल्स दो हैं, एक हमारे पास मटेरियल है BW जिसका कोई मसला नहीं है, और एक है SB, अच्छा मटेरियल को और से देख लें आप, साथ साथ ही कर लेते हैं, BW के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, अच्छा SB के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, पहले पढ़ लेते हैं, SB विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट अंटिल द एंड ऑफ वेस्ट ईयर, लो जी गल हो गई, क्या गल हो गई है जी, क्या गल हो गई है, वो कह रहा है आपसे, वो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है आपसे, कि SB अगले साल के आखिर तक अवेलेबल नहीं है, दूसरा वो कह रहा है कि SB इज ऑल्सो यूज इन अनदर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग 600 kg फॉर द ईयर, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था कोई मटेरियल, तो क्या करते थे, याद करें पुरानी बातें, MFA में मैंने पढ़ाया, कॉस्टिंग में तो मैं पढ़ाता ही हूँ डिटेल में हूँ अलहमदुल्ला, MFA के अंदर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब कोई प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, जब कोई मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उस मटेरियल को अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, मैं एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ, वो भाई याद करो ना यार पुरानी बातें, जब अवेलेबल नहीं होता तो क्या करते थे, हाँ, कुर्बानी देते थे, सेक्रीफाइस करते थे, डायवर्जन करते थे, वेरी गुड, वेरी गुड फैजान सईद, वेरी गुड असनैन खान, डायवर्जन करते थे, डाइवर्जन करते थे, ठीक है ना, तो डायवर्जन करनी पड़ेगी 600 kg तक, However, that product will be discontinued at the end of year. SB is not used any other product. SB is not used in any other product.
एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट 50% ऑफ इट्स कॉस्ट। सारी कहानी एसबी की है, तो भाई बीडब्ल्यू तो सीधा साधा है, शरीफ आदमी है बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू शरीफ आदमी है, तो बीडब्ल्यू आसान है, बीडब्ल्यू कर लो। करंट इन्वेंट्री कितनी? 1500, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3000 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, 550 की कॉस्ट है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन उस वक्त काम में आता है जब डाइवर्जन हो रही होती है, इसकी तो डाइवर्जन एप्लीकेबल ही नहीं है। इसने इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन सबकी दे दी है, दोनों की जनरल इन्फॉर्मेशन, मगर हमें जब कुछ बीडब्ल्यू के बारे में बताया हुआ ही नहीं है कि कोई डिस्टर्बेंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम जहमत नहीं करेंगे, हम सिंपल काम करेंगे। देखिए पेपर में ना कोई ओवर स्मार्ट नहीं बनना है हमने, जब एक चीज़ के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसको कोई सेक्रीफाइस करना है, कुछ करना है, वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन तो हर किसी की गिवन होती है। 1.11 इसलिए करो क्योंकि इन्फ्लेट करना पड़ेगा भाई, 1.11 इसलिए करो क्योंकि इन्फ्लेट करना पड़ेगा भाई, 11% है ना भाई, एग्री करेंगे? 3000 550 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1500 नहीं, 550, सॉरी माय बैड, 1500 तो कुछ और था, 550 का मटेरियल है ना भाई, 550 कितना आ रहा है? 1000 कॉमन लेके करें, राउंड कर लो, 183, राउंड कर लो यार, डेसिमल में नहीं लो, डेसिमल में नहीं लो चंदा, राउंड कर लो, ठीक है? बात समझ आ रही है? 225, थैंक यू राइम, 2505, थैंक यू राइम वेरी मच यार, थैंक यू। एसबी के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी मैम, कर लें एसबी की वर्किंग करा दूं, एक मिनट यार, मुझे लैपटॉप चार्ज पे भी लगा देना चाहिए, ये थोड़ा तंग कर लेगा, कितनी परसेंट बैटरी रह गई है? 20% रह गई है, चलो देखते हैं। हाँ बताओ क्या कहते हैं, एसबी के बारे में अभी बात कर लें क्या? अभी एसबी के बारे में बाद में बात करते हैं, लेबर पे आ जाओ। अरे कर लेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, लेबर पे आ जाओ, लेबर 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 तो आसान है ना, निकाल दो 7000, लेकिन ट्रिपल 7 0 हो जाएगा, 8625, सही, आसान काम पहले कर लो यार, इसको देखते हैं अभी, कोई मसला नहीं, ये नहीं करें, छोड़ना है, छोड़ना नहीं है इसको। और क्या था इसके अलावा भाई? फिक्स कॉस्ट भी बड़ी आसान है, 1.11 1998, 2218, 2462, 2733, मैंने दोनों लेबर साथ कर दिए यार, क्या फायदा अलग अलग करने का, कोई फायदा है मुझे बताओ? को परसेंटेज भी सबका सेम ही है, तो क्या फायदा? मैंने इसीलिए एक ही एडजस्टमेंट करके, ये बैकग्राउंड वर्किंग का फायदा ये होता है, जहां पे टाइम बच सकता है बच जाता है, क्या ख्याल है? नहीं डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ये एडजस्टमेंट अभी करेंगे, मुझे पता है इसके बगैर सवाल कंप्लीट नहीं होगा एसबी का, डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या सीन है? 25% ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो 2.5 लाख का लगा लो, स्क्रैप वैल्यू नहीं माइनस होती भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू नहीं माइनस होती, गलत नहीं कर देना, ये बच्चे पूछ रहे होते हैं सर इसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन क्यों नहीं कैलकुलेट की, वो भाई वो स्ट्रेट लाइन में होता है, रिड्यूसिंग में नहीं होता, भूल गए का? अरे भूल गए का, 62500 आ रहे हैं, हाँ एक डेप्रिसिएशन निकालो, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर लो, हाँ शॉर्टकट कर रहे हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं, बिल्कुल राइम, आसान बातें हैं ना यार, पेपर में टाइम बचाना है, वैसे पेपर का आखिरी सवाल है ये, हो सकता है टाइम वैसे ही कम पड़ रहा हो बच्चे को, और फिर मल्टीप्लाई 0.75 कर दो, याद है ना शॉर्टकट डेप्रिसिएशन का क्या होता है, तो आप पेपर के करीब हो तो मैं आपसे शॉर्टकट में बातें कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता था पहले, इसीलिए आपको डिटेल में समझाया, ये अप्रोच बता रहा हूँ मैं पेपर में भी, आप परेशान नहीं हो ना, सवाल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है रेलिवेंट कॉस्टिंग के चक्कर में ना आप 10% जाया कर जाओगे पेपर में यार, अभी अपने 10% बचाओ, पहले पहले इजी मार्क्स ले लो, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा, और वो इन्वेंट्री राइट ऑफ, वर्किंग कैपिटल राइट ऑफ, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी,
W2 कर लेते हैं, W3 कर लेते हैं, W2 पहले कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है? जी मुश्किल तो नहीं लग रहा सवाल अभी तक भाई, एडजस्टमेंट अभी पेपर में देखें, टाइम नहीं है अभी, छोड़ दें, एक्चुअली डेफिनेशन निकाल लें। ये रही सारी 62,500। कितनी आ रही है? डब्ल्यू डी भी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पावर लगा के, पावर लगा के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डब्ल्यू डी भी भाई। वन 7 0 8 9 8, ठीक है कैलकुलेटर में यही बोला, चेक कर लो राहिल। 79 102, ये तो डब्ल्यू डी भी है, उसको स्क्रैप वैल्यू से कंपेयर करो। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी वो, हमने कहा था इन्फ्लेट कर देना भाई, लिख दिया था, मान लो आई कैप की, क्या कर सकते, नतज तस्लीम करने पड़ेंगे आपको, नतज तस्लीम करने पड़ेंगे ना यार, कोई चारा थोड़ी है। 65,000 × 1.11 की पावर 4 9 8 6 7 5, अरे तो गेन आ गया। हाँ वो इन्फ्लेशन की वजह से आया, वरना लॉस आता, पता वरना लॉस आता। 19573, गेन यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नॉर्मल बातें की हमने आपसे, सही है यही आ रहा है राइन, कोई प्रॉब्लम? तब स्ट्रक्चर पूरा कर लें, स्ट्रक्चर में और क्या आने का है, इन्वेंटरी राइट ऑफ डाल दोगे फिर क्या आएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, एड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन को। हाँ भाई ऐसा ही है, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दोगे, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दोगे, लेस कर दोगे गेन ऑन डिस्पोजल को। सही है ना, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं, वर्किंग कैपिटल राइट ऑफ को भी एड बैक करना। यस यस को भी ऐड बैक करें, फिर क्या रह जाएगा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं ना यार, स्ट्रक्चर में क्या रह गया? एसेट आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू आखिरी साल कितनी थी, स्क्रैप वैल्यू कितनी ली हमने आखिरी साल? 9 8 6 7 5, ये बात समझ आ रही है? देखो मैं पेपर में इस अप्रोच से अभी सॉल्व करा रहा हूँ कि हमारा टाइम ही नहीं, पेपर होता ना पेपर में आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं, जो मिल रहा है मार्क्स ले लो पहले, क्या कहते हो, बुरी अप्रोच तो नहीं है ना, क्या कहते हो, जो मिल रहा है मार्क्स ले लो यार। यही करते हैं पेपर में, जब अगर कभी खुदा ना करे टाइम कम पड़ जाता है तो हम कहते हैं जो मिल रहा है वो तो उठाओ। देखो हर चीज के लिए तैयार है ना, पेपर का आखिरी सवाल है लेट से, वैसे तो ये आखिर में नहीं करना चाहिए पेपर में, तो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए, जो आसान लगे वो पहले करना चाहिए। वर्किंग कैपिटल ले लेंगे, नेट कैश फ्लो आ जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर डाल देंगे जो कि 12 22% सवाल में 12 दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, मगर आई आर आर निकालना है तो एक और डिस्काउंट फैक्टर लेना पड़ेगा, पर डे बाई एनपीवी डिस्काउंट फैक्टर छोटा बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नेगेटिव आई एनपीवी तो डिस्काउंट फैक्टर कम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है, स्ट्रक्चर समझ आ गया, अब दो बातें रह गई हैं, एक ये रह गया रेलिवेंट कॉस्ट रह गई एसबी की, एक वर्किंग कैपिटल राइट ऑफ रह गई, बस बाकी तो कोई मसला नहीं, वर्किंग कैपिटल डाल देंगे यहाँ पे। अच्छा वर्किंग कैपिटल से मैं स्टार्ट करता हूँ पहले, फिर मैं मटेरियल पे आऊँगा, पहले मैं वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ।
देखिएगा वर्किंग कैपिटल को पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, सही है, वर्किंग कैपिटल के बारे में देख लें कितने परसेंट कर रहा था, 15% इन्फ्लेशन कह रहा था, और से देखिएगा 15% इन्फ्लेशन कह रहा था, और से देखिएगा 75 वर्किंग कैपिटल उसने बताया था आपको, 75 मिलियन चलेगा और 15% इन्फ्लेट करना होगा, तो वर्किंग कैपिटल पहले कर लेते हैं 75,000 और 15% इन्फ्लेशन कह रहे हैं, तो 15% इन्फ्लेशन लगा दें, लगाएं 15% डिफरेंशियल लिखते थे याद करें, यही सीखा था आपने, यही सीखा था कि डिफरेंशियल लेते थे 15% इन्फ्लेशन है 75% का, अगले महीने अगले साल स्टार्ट ऑफ ईयर टू मीन्स एंड ऑफ ईयर वन, ये बात हुई थी हमारी, तो बता दीजिए क्या कहते हैं आप, 11,250 आएगा भाई 15% लगाने के बाद, पूरा लंबा तरीके से कराऊं क्या, बोलो कहा मैं लंबे तरीके से करा दूं या ऐसे समझ जाओगे, करा देता हूँ चलो क्या याद करूँगी, वर्किंग कैपिटल देख लो फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग करके एक सवाल एंड, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर, पहले वर्किंग कैपिटल बैलेंस निकाल लेते हैं, यही करते थे, सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट वन फाइव करते थे, याद करें यही करते थे, मैं शॉर्टकट नहीं करा रहा अभी क्योंकि रिवीजन कराना भी मकसद है ना यार पेपर में, तो आपको वही करना है शॉर्टकट मगर समझाने के लिए, 86,250 हो जाएगा ये, 99,188 हो जाएगा ये, 114,066 हो जाएगा, 131,175 हो जाएगा, मगर ये वर्किंग कैपिटल बैलेंस है, ठीक है। अच्छा ये आखिरी साल तो आपको वैसे भी पता है कि यार वो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना हम आखिरी साल, आखिरी साल हम रिकवरी कर लेते हैं, रिकवरी कर लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कैश फ्लो कितना होगा, याद करें, याद आ रही बात, वेरी गुड राहिम, वेरी गुड यार, थैंक यू राहिम, मैं भी चेक करता हूँ, मैं खुद भी ये वर्किंग कर रहा हूँ ना तुम्हारे सामने भी, देख अगले दफा डिफरेंशियल आ जाएगा इन दोनों, डिफरेंशियल आ जाएगा इन दोनों का भाई 11,250, फिर डिफरेंशियल आ जाएगा इन दोनों का, बिल्कुल 12,938 सही है राहिम, बिल्कुल सही है, फिर डिफरेंशियल आ जाएगा दोनों का 14,878 सही है राहिम, बिल्कुल मेरा भी यही यार, ठीक है, तो ये कैश फ्लो में तो ये आ जाएगा, कैश फ्लो में तो ये ऊपर चला जाएगा 12,938, अब रिकवरी कितनी होगी, जितना कैपिटल आज तक लग चुका है, जितना वर्किंग कैपिटल आज तक लग चुका है, जितना कैपिटल आज तक लग चुका है उसका 60% रिकवर होगा, तो 60% रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल सही है राइम, 68,439 वेरी गुड, जबरदस्त मैच कर रहा है बिल्कुल यार, सही कह रहे हो हुसैन अली, हसनैन अली 68,439, और राइट ऑफ कितना होगा, इसीलिए मैं राइट ऑफ को नहीं लिख रहा था, राइट ऑफ कितना होगा, हाँ राइट ऑफ कितना होगा, 1,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 
क्वेश्चंस निकाल लो। बिल्कुल, कितना आ रहा है? राइम सही है, 15627, वेरी गुड यार, 626 आ रहा है मेरा। चलो कोई की बात है, 45626। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? कोई सवाल है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? हाँ
वर्किंग कैपिटल की गेम समझ आ गई, डिफरेंशियल पे काम किया, आखिर में रिकवरी ले ली 60% की और बाकी 40% लॉस में रिकॉर्ड कर दिया, जो कि टैक्स पर्पज में काम आएगा। बात समझ आ रही है? अब एक फिगर रह गई, मटीरियल एस बी, जिसकी वजह से टैक्स नहीं आया, जिसकी वजह से टैक्स नहीं आया तो कैश फ्लो रेडी नहीं हुआ। बाकी बातें समझ आती है? कोई सवाल है पूछ लो भाई। वर्किंग कैपिटल का गेम समझ आ गया? डिफरेंस लिया, 60% रिकवरी में लेके चले गए, 40% लॉस में लेके चले गए, और बाद में एडबैक भी कराना था क्योंकि नॉन कैश है ये, नॉन कैश है ये। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट से बात करते हैं। एस बी, मेरे ख्याल से अजान हो रही है, 1 मिनट अजान के लिए रुक जाते हैं, पूरी बात है अजान के बाद बोलना। ये कितना था, 182 168 था, सॉरी, 1 मिनट के लिए नमाज अजान के लिए रुके मैं, 1 2 मिनट अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है नमाज से पहले हो जाएगा सवाल हमारा, जल्दी से शाबाश, तो नोट कर लें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। ये पूरी स्क्रीन नोट कर लें, 1 मिनट के लिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, 1 मिनट, जाना नहीं है, एंड करके जाना है। अच्छा जी, अब ज़रा रेलिवेंट कॉस्ट पे कुछ बात कर लेते हैं, एंड आई थिंक इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है, इतना मुश्किल नहीं था, बस मैं टैक्स की वर्किंग में शामिल करना था, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ एस बी। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ईयर 2 ऑनवर्ड्स, पहले ईयर 1 को छोड़ दें, ईयर 1 में मसला है, ईयर 1 में प्रॉब्लम है, ईयर 1 में अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मगर ईयर 2 के बारे में मैं पहले क्लियर कर लूं, पहले हम ईयर 2 निपटा देते हैं जो कि ज़्यादा आसान है। ईयर 2 में कोई मसला नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ईयर 2 में क्या करेंगे, बहुत आसान है। ईयर 2 में 1200 रिक्वायरमेंट है, ये इन्वेंट्री में तो ईयर 1 में है ना, इन्वेंट्री में, ईयर 2 में तो इन्वेंट्री में नहीं होगा, तो बगैर किसी परेशानी के आप सिंपली 1200 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आपने BW में किया था, क्या करें, 4200 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें, 4200 ईयर 2 में हो जाएगा, 1200 × 4200, ज़रा मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है, 1200 × 4200 5040,000। मगर इसको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, जल्दी से बताएं क्या करना पड़ेगा, छोटा सा बात है, छोटी सी बात है, क्या करना पड़ेगा इसको, जी जवाब दें, शाबाश। मैं एज इट इज नहीं ले जा सकता इसको ईयर 2 पे, नहीं, ईयर 1 में मसला है, मैं बात करूंगा, मगर ईयर 2 पे मैं इसको एज इट इज नहीं ले जा सकता, इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप लोग, वेरी गुड रहीम हसनैन, हसनैन अली, वेरी गुड, × 1.11² 11% इन्फ्लेशन है ना भाई, 1.11² स्क्वायर क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर पर जा रही है बात, 1 साल पर नहीं जा रही, ईयर 2 पर जा रही है बात, ईयर 3 के लिए 1200 × 4200, ये कह लें 5040 × 1.11³, मेरी बात समझ आ रही है, पावर 2 क्यों लगा रहे हैं, पावर 3 क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि सेकेंड ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर पे मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर पे थोड़ा गेम है, ठीक है जी, कितना कितना आ गया, अगले सालों को हम पहले फाइनल कर लेते हैं, 6210, 6893 9765, ठीक है जी। लेकिन सवाल को ना आसान से आसान करें, जितना आसान कर सकते हैं करें, मुश्किल बातों को लास्ट में लेके जाएं, ताकि खुदा ना खाता अगर टाइम का मसला हो तो आपका ऑलरेडी जो टाइम है वो आसान चीज़ों पे लग के मैक्सिमम मार्क्स निकल चुके हों। अब ईयर 0 पे आते हैं, ईयर 0 पे गौर से देखिएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, गौर से देखिएगा, 1200, अवेलेबल कितना है, 1200, कहाँ से आएगा 1200, क्या सारा का सारा डाइवर्जन करके आएगा, जवाब दें, क्या सारा का सारा 1200 मुझे डाइवर्जन करके हासिल करना है, नहीं, ये कह लें 1200 जो स्टॉक में, इसमें से कौन सा स्टॉक, कौन सा मटेरियल किसी और के काम का है, 1200 में से 600 kg ऐसा है जो किसी और के काम का है, जो किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, और बाकी 600 kg क्या मैं कह सकता हूँ उसका कोई यूज नहीं है, देखिए मैं रिपीट करता हूँ बात को,
मटेरियल अवेलेबल कितना है, प्लीज ये एडजस्टमेंट देख लें, इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट देख लें, इंपॉर्टेंट है, सवाल एंड हो जाएगा फिर। मटेरियल अवेलेबल है 1200 kg, इसका ही देख लीजिएगा। यूजेबल इन अनदर प्रोडक्ट, कैसे हो गई थी, एंड नॉट यूजेबल अदर प्रोडक्ट और नो यूज, क्या ये बात समझ आती है, जवाब दें क्या ये बात समझ आती है, क्लियर है ये बात हमें? हाँ क्लियर है। अब जरा सुनिएगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं, क्या मैं कहता हूँ यहाँ डाइवर्जन का केस एप्लीकेबल है, थोड़ा आई के आंसर से डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा फिगर में मसला है। डाइवर्जन में क्या होता था, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती थी, क्या कर याद आ रहा है, सीएम लॉस प्लस कॉस्ट, एड बैक करते थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल को, एड बैक करते थे हिस्टोरिकल कॉस्ट को, एड बैक करते थे, याद करें, करंट मार्केट प्राइस को एड बैक नहीं करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट को एड बैक करते थे, ये बात याद आ रही है आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट को एड बैक करते थे, सीएम लॉस प्लस कॉस्ट, तो सीएम लॉस कितना है, ये जो बीडब्ल्यू था ये किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो सकता था, किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल होकर 200 रुपए कमा के दे सकता था, जो कि अब नहीं दे सकेगा, तो 200 रुपए का सीएम, 550 रुपए की इसकी कॉस्ट, 200 रुपए का सीएम, 550 रुपए इसकी कॉस्ट, तो 200 प्लस 550 ये हो गया 750, क्या ये बात समझ आती है आपको, हाँ जी नहीं, 1 मिनट, सॉरी फिगर गलत ले लिए मैंने, 1500 और 4200, सॉरी 1500 और 4200, एसबी की बात हो रही है ना यार, 1500 का सीएम और 4200 की इसकी कॉस्ट, 1500 सीएम, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंटू 600, करंट कॉस्ट एड बैक करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट एड बैक करते थे, फ्यूचर कॉस्ट एड बैक नहीं करते थे, इन्फ्लेट नहीं कर दीजिएगा, आई कैप ने इन्फ्लेट कर दिया है, जिससे मेरा इख्तिलाफ है सर, मेरे हिसाब से इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए, 3420,000, क्या ये बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है, 3420,000 ये लिख दिया मैंने एट जीरो पे, ये लिख दिया मैंने एट जीरो पे, मैं रिपीट करता हूं बात को, 1200 आपको चाहिए और 1200 ही अवेलेबल है इत्तेफाक से, ये तो एक अच्छी बात हो गई, 1200 ही आपकी रिक्वायरमेंट है और 1200 ही अवेलेबल है, मगर जो 1200 अवेलेबल है उसमें से 600 वो है जो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, जो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, 600 वो है जो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, कोई और इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, वो कितना है 600, तो 600 kg जो है वो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, तो इस पर डाइवर्जन एप्लीकेबल है, सीएम लॉस प्लस कॉस्ट, ये मैं इसकी बारीकी पे नहीं जा रहा, ठीक है, तो सीएम लॉस 5700, 1500 प्लस कॉस्ट 4200, 5700 बना, इंटू 600 कर दिया। अगली बात, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट है कोई, जब कोई मटेरियल किसी काम का नहीं होता तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, ये मैंने लिख दिया ईयर जीरो पे, ईयर वन पे, सॉरी ये ईयर वन पे लिख दिया, जब कोई मटेरियल फालतू होता है तो क्या करते हैं, जब किसी मटेरियल का यूज नहीं होता तो क्या करते थे, याद करें यार, कैन बी सोल्ड एट, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप एट 50%, एट 50% ऑफ इट्स कॉस्ट, अब क्या होगा, अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, ये लास्ट बात है, सवाल खत्म हो जाएगा, लास्ट बात है, स्क्रैप वैल्यू कितनी, 600, 50% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट 4200 है, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यह बड़ी बेहतरीन बात होने जा रही है, ये इतना आसान नहीं था पेपर में पिक करना, 600 इंटू 4200 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करिए क्या आता है, 600 इंटू 4200 इंटू 0.5,
1260,000। मगर अब अगली बात सुनना, क्या कोई लॉस हुआ है? क्या कोई लॉस हुआ है? लॉस ऑन स्क्रैप, क्या मैं कहता हूँ स्क्रैप पे लॉस हुआ है? कितना? 50% ही आपका लॉस हुआ है? एग्री करते हो इस बात को? ओ भाई स्क्रैप पे लॉस हुआ है ना, नुकसान हुआ है, पैसे पूरे नहीं मिले, पैसे पूरे नहीं मिले ना, आधे पैसे मिले ना। तो जब नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो याद करो अभी मैंने आज ही इसी सवाल में एक ऐसी बात बताई थी जो आपने आइंदा ध्यान में रखनी है कि जब भी लॉस आएगा आप क्या करेंगे, जब भी लॉस आएगा आप क्या करेंगे। क्या बात हुई थी आपसे? जब भी लॉस आएगा आप उसका टैक्स इफेक्ट लेंगे, टैक्स सेविंग ड्यू टू लॉस, टैक्स सेविंग ड्यू टू लॉस। 1260 × 0.3 टैक्स बचेगा लॉस की वजह से। क्या कहते हैं? ठीक है, क्योंकि महंगा आया हुआ है ना मटेरियल। अब मसला ये, आई कैप ने इसको इस तरह से नहीं लिया, आई कैप ने इस पे नेट कर दिया, डायरेक्ट नेट कर दिया 378। मेरे हिसाब से लॉस हुआ है ना तो इस पे टैक्स बचना चाहिए। ये बहुत मुश्किल एंट्री थी पेपर में पकड़ना, मैंने कहा ना ये पेपर में बहुत मुश्किल एंट्री थी, तो आखिर में कह रहा है कि पेपर में बाकी मार्क्स तो ले लो। आई कैप ने इसको टैक्स लगाया है, मैंने कहा है टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स बचेगा। आई कैप कह रहे टैक्स लगेगा, मैं कह रहा हूँ टैक्स बचेगा, ये एक मसला है। अब आप खुद डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। मैं तो आपको बता के हमेशा टैक्स बचना चाहिए, तो टोटल इनफ्लो जो रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ, एक मिनट, छोटी सी बात। ये स्क्रैप वैल्यू मिली है या फॉरगॉन हुई है? ये स्क्रैप वैल्यू मिली है या फॉरगॉन हुई है? टैक्स मिली है ना या फॉरगॉन हुई है? ये मिली है या फॉरगॉन हुई है? ये हमने मटेरियल बेचा है या इस्तेमाल किया है? लास्ट एंट्री, लास्ट बात है, बस लास्ट बात है। ये मटेरियल हम देखो आसान करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को। हमें 1200 kg की ज़रूरत है, हमारे पास 1200 kg मौजूद है। प्लीज़ देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, हमें 1200 kg की ज़रूरत है, 1200 kg अवेलेबल है, 1200 मुझे ज़रूरत है, 1200 में से मैंने 600 कहीं और से निकाल लिया, डाइवर्जन से निकाल लिया। अब बाकी 600 मैं कहाँ से निकाल लूँ? बाकी 600 जो स्पेयर है वो निकाल लूँ? जब मैं स्पेयर मटेरियल निकालूंगा तो क्या मैं कहता हूँ स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो जाएगी? क्या मैं कहता हूँ स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो जाएगी? एग्री करेंगे स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो जाएगी? एग्री करेंगे स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो जाएगी? एग्री करेंगे? हाँ, तो मेरे ख्याल से जब स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो गई है, अब इसका टैक्स इफेक्ट मेरे ख्याल से आप रहने दो ना, परेशान फंस जाओगे। स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो गई, हाँ, तो मैं बस कहूंगा इसको 1260 लिख दो। अब इसका टैक्स इफेक्ट सोचना इतना आसान नहीं है यार पेपर में, थोड़ा तो प्रैक्टिकल रहते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई? फॉरगॉन हो गई। मेरे हिसाब से तो टैक्स सेविंग भी फॉरगॉन हुई है, मेरे हिसाब से तो टैक्स सेविंग भी क्या हुई है? फॉरगॉन हुई है। टैक्स सेविंग मिल सकती थी ना अगर तुम स्क्रैप में बेचते, मेरी बात गौर से सुनना, अगर तुम स्क्रैप में बेचते तो तुम्हारा टैक्स भी तो सेव होता ना। अगर आप स्क्रैप में बेचते, सस्ता बेच देते, तो जो टैक्स सेविंग मिलनी थी वो नहीं मिली, जो टैक्स सेविंग मिलनी थी वो नहीं मिली। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ऐड होने चाहिए, 1260 + 378, ऐड करो क्या बनता है? 1638, दिस वन 80, 80 पे, 80 पे, इसलिए क्योंकि आज ही मैं पता है कि फालतू है। ये एंट्री जो थी ना, एक मिनट, एयर वन पे ना, यानी 0 होना चाहिए। रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो गई? 0 पे ही, एक मिनट,
8 0 पे, फिर इसमें 8 0 पे ले लो, नहीं टैक्स की एडजस्टमेंट में नहीं लिखो ना इसको, ये 8 0 पे ही ले लो, ये मटेरियल की जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी वो आज ही आ जाएगी। आप इसको आज बेच सकते थे, आप चाहते तो आज बेच देते। देखें आसान करें बात को, आपके पास कितना मटेरियल फालतू है, एक दफा मैं रिकॉल कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ये देख लें हमारे पास कितना मटेरियल फालतू है। हमारे पास 1200 मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, गौर से देखिएगा प्लीज, एक दफा एडजस्टमेंट को रिकॉल कर रहे हैं ताकि बस फिर एंड कर सकें। हमने ये कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट 1200 है, हमने ये कहा कि इन्वेंट्री में 1200 पड़ा हुआ है। अब हमने इन्वेंट्री का एनालिसिस किया तो पता चला, तो ये सुनिएगा बस, हाँ लास्ट बात हो रही है, गेम खत्म है। हमने जब इन्वेंट्री का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि 1200 में से 600 काम का है और 600 जो है वो काम का नहीं है। उसूल ये कहता है कि जो काम का मटेरियल नहीं है ना, इसको फ़ौरन क्या करो, इमिडिएटली स्क्रैप कर दो, पड़े पड़े बारिश का पानी लगे, चोरी हो, ख़राब हो, पैरिश हो, इमिडिएटली स्क्रैप कर दो। पहले मुझे बताओ ये बात समझ आती है यहाँ तक? पिछली जितनी बातें की उनको साइड में रख के एक फ्रेश माइंड से मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि आपके पास 1200 अवेलेबल है स्टॉक में, एग्री करते हैं, उसमें से 600 किसी, अभी प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, इस ऑर्डर की बात नहीं हो रही, इस नए प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, इस जिनको की बात नहीं हो रही, जिनको के अलावा बात हो रही है, जिनको को भूल जाओ। अगर मैं जिनको को भूल जाऊं तो मेरे पास जो कहानी लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि 1200 अवेलेबल है, मेरी बात समझ आ रही है? 1200 में से 600 यूजेबल है और 600 काम का नहीं है, तो मैं पहली फुर्सत में क्या करूंगा, जो काम का नहीं है उसको बेचने चले। अब मैं बेचने जाने वाला था तो मुझे पता चला, रुको आवाज आई, रुक जाओ। हमने कहा कि क्या हुआ, हम तो जा रहे हैं पैसे लेने जा रहे हैं, हम बेचेंगे पैसा मिलेगा, 50% पैसे मिलेंगे, मगर मिलेंगे तो सही, हम बेचने जा रहे थे। तो उसने बोला रुक जाओ। हमने कहा क्या हुआ, उसने बोला भाई नहीं बेचो क्योंकि ये हमें जिनको में इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही उसने ये बात बोली कि हमें जिनको में इस्तेमाल करना है, तो जो मुझे पैसे मिल सकते थे वो फॉर गॉन हो गए। कब फॉर गॉन हो गए? आज 8 0 पे फॉर गॉन हो गए ना यार, मेरी बात समझ आ रही है? हम आज ही क्या नजर आ रहा था कि यार ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, ये मटेरियल बस 600 kg काम का है, वो भी प्रोडक्ट आगे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो प्रोडक्ट आगे चलेगा ही नहीं। इस अनदर प्रोडक्ट की भी यूटिलिटी सिर्फ 1 साल की थी, फॉर द ईयर की थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी आगे डिसकंटिन्यू होने वाला था। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 600 kg ही काम का है, इसके आगे 1 kg भी काम का नहीं है। तो मैं बाहर जा रहा था बेचने के लिए तो किसी ने बोला नहीं अभी नहीं बेचो, जिनको में इस्तेमाल हो जाएगा। तो जब जिनको में इस्तेमाल होगा तो जो पैसे मिल सकते थे वो फॉरगॉन हो गए, मैंने इसको ले लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात समझ आई? पहले इसको देख लें, टैक्स इम्पैक्ट को छोड़ लें, पहले इसको देखें प्लीज, मुझे कंफर्म करें कमेंट के थ्रू, यस और नो, आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं 8 0 पे जो पैसे कमा सकता था वो नहीं कमा सका? बाकी लोग कंफर्म करें, हसनैन दैट्स गुड, बाकी लोग कंफर्म करें, जो पैसे मुझे मिल सकते थे 8 0 पे वो फॉरगॉन हो गए। देखिए एडजस्टमेंट को पीछा नहीं छोड़ सकते, मैं ऐसा नहीं छोड़ सकते। यहां तक बात समझ आई है कि आपको जो पैसे मिल सकते थे वो फॉरगॉन हो गए, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुन लो, अगर मैं ये बेच देता ना तो एक तो मुझे पैसे मिलते और दूसरा मुझे टैक्स सेविंग भी मिलती, टैक्स वाले मुझे टैक्स का बेनिफिट भी देते, टैक्स का बेनिफिट भी देते हैं। अब वो जो टैक्स का बेनिफिट है ना, तो वो भी फॉरगॉन हो गया, वो भी क्या हो गया, फॉरगॉन हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ टोटल फॉरगॉन कितना है, 1638, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1638 को हम यहाँ, ये मेरी कहानी है, ये मेरा पर्सपेक्टिव जो कि आईकैप से बिल्कुल डिफरेंट है। आईकैप से मैं एग्री नहीं करता, सॉरी इख्तलाफ है, आईकैप से हो सकता है ना, हो सकता है, मेरी बात समझ आ रही है? तो 1638 इज द रेलिवेंट फिगर। अब आप इस बेसिस पे जरा मैं चाहूंगा फाइनल करें फिगर्स को और मुझे बताएं क्या आ रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, 1638, ये टैक्स वैक्स निकालो, क्या आ रहा है टैक्स? रहीम बात समझ आ रही है? चंदा दो नुकसान हो गए ना यार, जो पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले क्योंकि वो 600 kg अब मुझे इस्तेमाल करने होंगे आगे जाके, क्योंकि मेरी टोटल रिक्वायरमेंट 1200 है, मुझे पूरा का पूरा स्टॉक इस्तेमाल करना है, स्टॉक में से कुछ अब बिकेगा नहीं, और जो सेविंग आ सकती थी वो भी नहीं आई, वो भी नहीं आई। टैक्स का बेनिफिट का मैंने हिसाब लगा के रखा था, वो भी नहीं आया। चलो जल्दी से यार इसको टोटल करो, कंप्लीट करो, क्या आ रहा है राइम, क्या बनता है ये टैक्सेबल प्रॉफिट, क्या आ रहा है पहले साल का? 55680, ठीक है। अगला 81891, ये थोड़ा सा हमारा इख्तिलाफ है आईकैप में, नो फिगर से बस, बाकी हमारी फिगर आईकैप से मैच होनी चाहिए, मगर भाई जहाँ जेनुअन है वो मैंने आपको बता दी। 1077774, 1062334,
टैक्सेशन लगा दें इस पे 30%, 30% टैक्स लगा दो, 1674 2456734 20 को इन्फ्लेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, वो तो करंट फिगर है, उसको तो क्यों इन्फ्लेट करेंगे। वो हमने पढ़ा है ना कि डाइवर्जन में हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है, फैदान सहित याद करो, याद है जब डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने कहा था एडबैक जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, एडबैक होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, इस वजह से पर ज़्यादा टाइम लग गया है एडजस्टमेंट में, मगर क्या करें पेपर में, इसीलिए मैंने कहा आखिर में करो एडजस्टमेंट, जो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा किल करने लगे ना उसको तो लास्ट में करो। चलो नेट कैश फ्लो बना लो जल्दी से, 3266 3266638, ठीक है ये कितना आ रहा है, एडबैक करनी रेपिशन 90226 91261, थैंक यू राइम, 1638 नहीं है, 1638 डेपिशन एडबैक नहीं किया, कहाँ पे कह रहे हो, ये लास्ट टाइम का पेपर पेपर लेनी थी ना, इस सवाल की एडजस्टमेंट लेनी थी, मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट के अलावा ये सवाल काबू करने लायक था, 17 मार्क का सवाल था, मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से इस पे काम कर सकते हो, 17 मार्क का सवाल था, काफ़ी आसानी से इस पे काम कर सकते हो, बजटिंग लेंदी था मैं मानता हूँ, चलो काउंट फैक्टर लगा दो 22%, वन पॉइंट टू टू स्क्वायर, 1638 ईयर वन में नहीं आएगा, नहीं चंदा राइम अभी भी आएगा, की वजह ये ना कि आज फॉरगॉन हुआ है ना, ये पैसे मुझे आज मिल सकते थे, मैं तो आज ही फैसला कर रहा था बेच के आ जाता हूँ, फालतू चीज़ को तो मैं फ़ौरन बेचता हूँ, फालतू चीज़ को तो हम फ़ौरन बेचते हैं ना चंदा, याद करें, नहीं क्या ख्याल है, चेक करो क्या बन रही है, ठीक नहीं फालतू चीज को फॉरेन बेचने की बात होती है, ठीक थी पेपर था, पेपर मज़ेदार था ये, मगर पेपर में पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा था, काफ़ी बच्चे माशाल्लाह पास हुए जो कि बहुत अच्छी बात है, चले जी एनपीवी कितनी आ रही है, 22% में नेगेटिव आ रही है आई गेस, नहीं मेरे ख्याल से आई थिंक राहिम मेरे ख्याल से एयर जीरो पे ही आना चाहिए, आई कैप ने इसको एयर जीरो पे ही कंसिडर किया मेरे ख्याल से, मगर हमारी फिगर में इख्तिलाफ है, हमारी फिगर में इख्तिलाफ है, कंसिडर उन्होंने भी शायद एयर वन जीरो में ही किया, सही है ना, इस बार डिफिकल्टी लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यार काफ़ी आसान आ चुका है पेपर, 1 मिनट, ये 20% से कर दिया मैंने यार, 1.2 स्क्वायर कर दिया मैंने गलती से, ये 1.2 स्क्वायर कर दिया गलती से, 1.22 करें आप लोग, 1 मिनट, मैंने 1.22 नहीं दबाया, हाँ 1.2 कर दिया है खाली, सेवन थ्री नाइन फाइव, डिवाइड बाई 1.22, 1.22 करना चाहिए, 1.2 कर दिया गया जिसकी वजह से आंसर सही नहीं आ रहा, 6131 5, अभी पता नहीं है ना 20 पे काम करना नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, 5271 3,
132665। फाइव नाइन एट नाइन। यार नहीं देखें पेपर में, यही तो समझाने की चीज़ है कि पेपर में आप इस एडजस्टमेंट की वजह से सवाल स्पॉइल नहीं करिएगा ना। 15 मिनट 20 मिनट अगर हमें इस एडजस्टमेंट में लग रहे हैं क्लास में समझने में, तो आप सोचो पेपर में कितना टाइम लगेगा। तो इस एडजस्टमेंट की वजह से जो मैंने आपने नहीं देखा मैंने क्या किया, जो टेक्निक मैं बार बार जो बात करूँ कि यार टेक्निक पेपर उठाना कैसे है, समझाना कैसे है, मेरी बात समझ रहे हैं इसमें। तो ये एडजस्टमेंट कोई नहीं भी करता तो मैं सोचता हूँ पेपर में 13 मार्क्स तो उठाए जा सकते हैं, चलो 4 मार्क की एडजस्टमेंट है मान लेते हैं। वैसे 4 मार्क ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 मार्क की होगी। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा ये आई एर निकालना है तो क्या करें, अब रेट को क्या करें? रेट को क्या करें भाई, आई एर निकालना है कम करें या बढ़ाएं, किस पे काम करें हम? 10% पे कर लें, छोटा कर दें रेट, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 15 पे भी कर सकते हैं, 10 पे कर लो, 10 पे कर लो, माइनस में आ रहे ना वैसे तो बहुत छोटा माइनस है। 20, यार 20 बहुत क्लोज हो जाएगा, ये ना पेपर में मसला हो जाए, ये ना पेपर में मसला हो जाए, 15 कर लो मेरे पास, 1.15 निकाल लोगे आई आर आर, मेरी ज़रूरत तो नहीं है। हाँ आई आर आर खुद निकाल लोगे, आई आर आर का फॉर्मूला पता है आपको, एक्स प्लस वाई इंटू ए अपॉन ए माइनस बी, सही है ना? यार आई आर आर निकाल लो, क्या कहते हो? चलो कर लो जल्दी से, कंप्लीट ही कर लेते ना, अब इतना आगे हैं, आगे कर ही लेते हैं। कितना हो जाएगा? कैश फ्लो को डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करिएगा, ये कैश फ्लो को, ये ना हो कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, कैश फ्लो को करें मल्टीप्लाई। 7845 7। फोर सिक्स थ्री सिक्स थ्री। थ्री फोर सिक्स सिक्स जीरो। सेवन फाइव एट फाइव टू। वही गलती कर दी आपने जो मैंने कर दी, मना किया था आपको, 91261 से कर दिया। ठीक है इस पे बिलाल बात करेंगे, 69006। यार पेपर में मुझे बताओ क्या वो वाला सवाल मुश्किल था, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से जो हमने किया है? हाँ ईमानदारी से बताओ, ये आसान था? थैंक यू हसनैन, क्या लगता है? आई के ने तो बहुत अजीब ही वर्किंग की। फिर इसी इतना मुझे बताओ, बजटिंग भी मेरा नहीं ख्याल, बस एक सितंबर वाला पॉइंट था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि बजटिंग भी ज़्यादा मुश्किल था, क्या कहते हो? इस सवाल में भी सिर्फ ये एडजस्टमेंट थी। देखो पेपर में कितने मार्क्स चाहिए पास करने के लिए? 50 मार्क्स चाहिए ना? ये सवाल मैं सीरियसली बताऊं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो 60-70%। अच्छा इस सवाल में मेजोरिटी बातें आप देखो रिपीट थी, क्या कहते हो? 168037 है ना? नहीं टाइम मैनेज नहीं हुआ, मगर टाइम मैनेज करने का मैंने तरीका सिखाया ना, पोर्ट्रेट का सबसे आसान सवाल था, 60-70% बच्चों के उसके फुल मार्क्स, उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, पासिंग परसेंटेज आई है, पोर्ट्रेट का इतना अच्छा सवाल था पता है। अब वो तो गलती हुई ना कि मैंने तो पहले ही कहा है कि आप पहले आसान काम करो,
इसमें भी मैंने आपको क्या कहा, अच्छा पेपर में मैंने आपको एक और चीज ही बोली है, पता है कि जब उसका टाइम खत्म हो जाए ना सवाल का, उस सवाल को छोड़ दो। जैसे इस सवाल की बात करते हैं, आपने सवाल के लिए 17 मार्क का मतलब है 30 मिनट रखे हैं, अब आपके 30 मिनट गुजर गए ना तो आप सवाल छोड़ दो यार। आप मेरी बात समझ रहे हो? कितनी आ रही है एनपीवी? 51799, यही आ रही है 51799, चेक करो प्लस में। अगर कोई बंदा इस टेक्निक पे जाएगा तो उसको तो ये सवाल का पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मुश्किल क्या था, वो तो बोलेगा ठीक है मैंने अपने नसीब के मार्क्स निकाल लिए। क्या ख्याल है? ये तो आपने पेपर में स्मार्टली प्ले करना है। चलिए आइए निकाल लेते हैं। एक्स इज पॉजिटिव रेट 15, ए इज पॉजिटिव एनपीवी 51799, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव 7% का डिफरेंस है। कितना आ रहा है एरर? नहीं, गलती तो यार टाइम मैनेजमेंट पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। एग्जामिनर लंबा पेपर बना रहा है, एग्जामिनर लंबा पेपर बनाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। 21.27% आ रहा है एरर भाई, यही है क्या एरर? ठीक है जी, चले यार मेरे ख्याल से आज का सेशन फायदेमंद था, कोई फायदा हुआ? हाँ कुछ बातें समझ आई आपको, कुछ हेल्पफुल लगा? ये भी सेशन था ठीक है बिलाल, उस पर करते हैं बात अगेन। या नंबर नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है आपको या आपके किसी जानने वाले को, उस पर पूछ सकते हैं ठीक है। पेपर निकलेगा इंशाल्लाह, आपने बिल्कुल फोकस